हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि बैंक निफ्टी में मेरा थोड़ा व्यू बुलिश है। 23,500 एंड 24,000 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। आज बैंक निफ्टी अगर आप देखो, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ था। 22,600 से लेके 23,200 तक जाके आया ये, लेकिन उसके बाद हमें एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिला। अगर आप 2 दिन पहले का वीडियो मेरा देखो YouTube पे, तो मैंने क्लियरली बताया था 10,830 और 10,850 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर वो लेवल क्रॉस हुआ तो ही 11,200 हमें देखने को मिलेगा। तो आप वो वीडियो देख लेना। 10,830-850 के आसपास निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद हमें एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिला है। अब अगर आप देखें तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो हम देखते हैं। अब निफ्टी में 10,400-10,500 ये एक टारगेट पॉसिबल लगता है मुझे। यहाँ से 200-250 पॉइंट का फॉल और हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में। सो 10,400-10,500 के टारगेट पॉसिबल है निफ्टी में। और स्ट्रक्चर अभी थोड़ा वीक है क्योंकि आज हमें सप्लाई देखने को मिला है। और बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में तो एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है, क्योंकि कल इसने क्लीन एंड क्लियर ब्रेकआउट दिया था। अगर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है। कल इसने ब्रेकआउट दिया था, करेक्ट। अब एक साइकोलॉजिकल पार्ट आप समझो, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बाइंग किया होगा क्योंकि ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देकर बहुत सारे लोगों ने अच्छे से बाइंग किया होगा। अब आज अगर किसी ने एग्जिट नहीं किया है तो अब ये जैसे 22,500 के नीचे आएगा, ब्रेकआउट लेवल के नीचे आएगा, तो एक पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। एक बड़ा फॉल, फास्ट फॉल हमें देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जो ब्रेकआउट लेवल था, अगर उसके नीचे आता है तो ये पूरा का पूरा जो लेवल है ये फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा। तो एक फॉल्स ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो जाएगा बैंक निफ्टी में, इसीलिए 22,500 के नीचे एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। 700-800 पॉइंट का फॉल हमें और देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी निफ्टी अभी थोड़ा व्यू बेरिश है। इंट्राडे में अगर कोई भी बाउंस मिलता है तो आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। 10,400-10,500 के टारगेट के लिए निफ्टी में और 21,000-21,500 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको BL दिया था सेल, इसमें सेल ट्रिगर ही नहीं हुआ है। 100 के नीचे दिया था, 100 के नीचे गया ही नहीं। वोल्टास मैंने आपको दिया था बाय 577 के ऊपर, इसमें 4 रुपए का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। और DLF मैंने आपको सेल दिया था 150 के नीचे, इसमें आपने डेफिनेटली अच्छा पैसा बनाया होगा क्योंकि इसमें हमारा टारगेट अचीव हुआ है। तो DLF में पैसा बना, वोल्टास में छोटा स्टॉप लॉस हुआ, BL में सेल ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ है। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला स्टॉक होगा सीमेंस। सीमेंस का स्ट्रक्चर आप अगर आप देखो तो बहुत नेगेटिव लग रहा है मुझे। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, इसने भी ऑलमोस्ट फॉल्स ब्रेकआउट केस है, डबल टॉप जैसा पैटर्न है आप देख सकते हो। और मुझे लगता है यहाँ से भी एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। सो सीमेंस काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक होगा MFSL। MFSL भी स्ट्रक्चर मुझे बहुत खराब लग रहा है। अगर आप पूरा का पूरा ये सेटअप देखो ग्रीन कैंडल के साथ में, तो ये इवनिंग स्टार पैटर्न जैसा बन रहा है। इवनिंग स्टार पैटर्न मतलब ये नेगेटिव पैटर्न होता है, बेरिश पैटर्न होता है। तो यहाँ से मुझे लगता है एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। इसको हम ट्रेड कर सकते हैं 15-20 रुपए के डाउनफॉल के लिए। और एक लास्ट स्टॉक होगा अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट मुझे स्ट्रक्चर थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। अगर ये 198 का लेवल क्रॉस कर लेता है, 200 और 200 के ऊपर एक बड़ा अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। इसमें 4-5 रुपए के अपमूव के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। तो अंबुजा सीमेंट काफी अच्छा बाय ट्रेड रहेगा। कौन से लेवल पे बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।